अपनी जुबान बचाने के लिए हम दोनों की गर्दनें काट देगी। फिर तो तुम्हें भाग जाना चाहिए। नहीं, भाग नहीं सकता, इस तरह तो वो अकेली रह जाएगी। वो डरती नहीं है उनसे? डरती है यार, लेकिन मैंने देखा है वो बहुत हिम्मत वाली है। वेरी डॉन्चस। हैरत की बात है वकार, अगर वो तुम्हारे बारे में इतनी सीरियस थी तो उसे मंगनी का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? यही बात वो पहले भी कर सकती थी। बेचारा गुलरेज, उसके साथ क्या गुजर रही होगी यार, कैसे तड़प रहा होगा वो। It's so insulting. I know यार, लेकिन मतलब तुम्हारे पास इस बात का जवाब भी है। मैं सोचती थी लोग दिल तोड़ने से डरते हैं, लेकिन तुम तो दिल तोड़ने को जस्टिफाई करने लगे हो यार। जीतने वालों का यही तो प्रॉब्लम है, वो जब अपनी फतह के नशे में झूम रहे होते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हारने वालों पे क्या गुजर रही होगी। जी हाँ गुलरेज, मेरा भी फेवरेट है, लेकिन मैं भी यही सोच के तड़प रहा हूँ कि हम दोनों के जुड़ने से वो टूट जाए। उससे मिले हो? किससे? गुलरेज से? नहीं। अरे उससे मिलो तो सही, देखो तो सही मोहब्बत में हारने वालों की हालत क्या होती है। मैं मिलूंगा उससे, सॉरी कहूंगा। और क्या कहोगे? बस एक सॉरी के बदले उसकी माहीन जेब में डालोगे और लेकर चलते बनोगे। इससे अच्छा है कि तुम उससे कभी ना मिलो। तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो जी, बोल रही हो कि अगर गुलरेज को मोहब्बत करने का हक है तो यही हक मेरे और माहीन के पास भी है। तुम एक दिल के टूटने पे ताने दे रही, दो दिल टूटेंगे तो क्या कहोगे? दो मतलब एक तुम्हारा और एक उसका। वाओ, वैसे तुम चेक करके तो देख लो मोहब्बत कर रही है या चेजा ले रही है तुम्हारा। कम ऑन जिया, बी अ फ्रेंड। अरे दोस्त हूँ तो ही तो कह रही हूँ ना, तुमसे ज्यादा मैं उसे जानती हूँ। क्या है कि वो सच बोलती नहीं है, अपनी डायरी में लिखती है बस। डर गए? अब डरो मत, तुम्हारे लिए उसने अपनी मंगनी तोड़ दी। फोन करके तुम्हें जाने से रोक लिया तो इसका मतलब डायरी में भी तुम्हें ही लिखती होगी ना। लेकिन फिर भी मोहब्बत की पहली मुलाकात से पहले एक बार गुलरेज से जरूर मिल लेना, बेचारे का जी हल्का हो जाएगा। मैं मिलूंगा उससे, हालांकि मुझे दुख हो रहा है, शर्म आ रही है। ये भी नहीं पता कि मिलूंगा तो बात क्या करूंगा उससे, लेकिन मैं मिलूंगा, मिलना बहुत जरूरी है।